हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए आंवले का अचार बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आंवला हम लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इसका अचार भी बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आंवले का अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आंवले का अचार बनाने के लिए हम लोगों को 1.5 किलो आंवला लेना है और इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। और इसको बॉयल करने के लिए किसी बड़े बर्तन में पानी खौला लें और उसमें आंवले को डाल दें और पानी इतना ही रखें जितने में आंवला अच्छे से डूब जाए। उसके बाद उसको हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए। इसके बाद आंवले को पानी से अलग करके उसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें और उसका बीज निकाल लें और उसको इस तरह से पीसेस में कर लें। फिर उसको 5 से 6 घंटे के लिए धूप में सुखा लीजिए। अचार बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक और 200 ml सरसों का तेल, 1/4 चम्मच हींग और 3 चम्मच पीली सरसों और 2 चम्मच हम लोगों को चाहिए महीन राई। गाइस, राई और सरसों को हम लोगों को इस तरह से पीस लेना है। ये देखिए, इस तरह से महीन पाउडर फॉर्म में दोनों को मैंने पीस लिया है। अब हम लोग सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। पहले उसमें हम लोगों ने राई और सरसों को पीस लिया था, अब इसमें हम लोग हींग डालेंगे। इसके बाद हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, अब और नमक ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम लोग आंवले में डाल देंगे। अब इसको हम लोग इस तरह से आंवले में डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और गाइस, इसको आंवले में इस मसाले को डालने के बाद एटलीस्ट 2 दिन के लिए हम लोगों को इसको धूप में रखना पड़ेगा, जिससे इसका जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, वो सूख जाए और ये जो अचार है वो बहुत ही टेस्टी बने। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। तो गाइस, ये अचार हम लोगों ने 2 दिन तक धूप में इसको दिखा दिया था और आज इसमें हम लोग ये तेल ऐड करेंगे। हम लोगों ने आज इसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से आप लोग मिक्स कर लीजिए। और फिर इसको गाइस हम लोग मिक्स करके एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। ये देखिए, तो गाइस ये अचार देखिए रेडी है। अब इसको हम लोग को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए धूप दिखाना है, उसके बाद हम लोग इस अचार को खा सकते हैं। तो गाइस प्लीज़, आप लोग इस अचार को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है और आप लोग पक्का इसको बहुत इंजॉय करेंगे। गाइज़, अगर आपको मेरी ये अचार बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ गाइज़, एक बार इस अचार को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिस तरीके से मैंने बताया है कि इस तरह से आंवले का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है और लंबे समय तक टिका भी रहता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस अचार को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।